हेलो स्टूडेंट्स, इस बार का क्विज इजी भी था और इंटरेस्टिंग भी था, राइट? सो लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रही है 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि नेबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और एक एटम से सराउंडिंग में अगर नेबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इट मींस कि कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट हो गया है स्ट्रक्चर, है ना? और एक स्ट्रक्चर को या फिर एक क्रिस्टल को आप कॉम्पैक्ट कर रहे हो तो ये किस तरह से पॉसिबल है? ऑफ कोर्स बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, सो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सो यू कैन इंक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स कंटेन ओनली वन ब्रेविस लैटिस? ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद करना होगा, ठीक है? कितने ब्रेविस लैटिस होते हैं इन 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम? तो ऑर्थो रामबिक में कौन कौन सा होता है? पी बी एफ ई। मोनोक्लिनिक में कौन सा? पी ई। रोम्बोहेड्रल में कौन सा? ओनली पी। एंड क्यूबिक में कौन सा? PBF। इन सब में पी क्या है? प्रिमिटिव। पी इज प्रिमिटिव। बी इज बॉडी सेंटर्ड। एफ इज फेस सेंटर्ड। एफ इज फेस सेंटर्ड। एंड ई इज एंड सेंटर्ड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर? सिर्फ एक टाइप के किस में होते हैं? रोम्बोहेड्रल में। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? वाई की वैल्यू, वाई की जो एच है वो ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू इनिशियल। और इनिशियल कौन सा रखा है आपने? इनिशियल आपने रखा है एक्स, ठीक है? तो एच वाई ज्यादा है वेन कंपेयर टू एच एक्स। और क्या? डेल्टा एच निगेटिव सेकेंड केस में। इसमें क्या करना पड़ेगा? एच सेट को कम करना पड़ेगा वेन कंपेयर टू एच वाई। ओके ठीक है। तो अब ये देखो कि कह रहा है क्वेश्चन में, ये सभी इन कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड एक्स इन टू कंपाउंड जेड, इट वॉज फाउंड दैट द रिएक्शन प्रोसीडेड बाई वे ऑफ कंपाउंड वाई। ओके, सो दिस वाई इज ऑल्सो कंपाउंड एक्स एंड सेड आर ऑल्सो कंपाउंड। ये तीनों कंपाउंड्स हैं। ये वाली बात को फुलफिल करनी है। किस ग्राफ में हो रहा है वो चेक कर लेते हैं हम, ठीक है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, एच वाई इन फर्स्ट केस, एच वाई ज़्यादा दिख रहा है वेन कंपेयर टू एच एक्स, ठीक है, सही है ये बात। और एच वाई को अधिक होना चाहिए वेन कंपेयर टू एच जेड, एच वाई ज़्यादा है वेन कंपेयर टू एच जेड, तो ये सही है। मैंने इस ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। अब बच्चे कहते हैं कि मैम बी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? बी में भी तो ऐसा ही है ना, एच वाई इज मोर देन एच एक्स एंड एच वाई इज मोर देन एच जेड, ये सही क्यों नहीं है फिर? तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ये आपका वाई है ना, इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंपाउंड नहीं हो सकता। कंपाउंड जो होते हैं वो थोड़े स्टेबल होते हैं, उनकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर देखो, y की एनर्जी ये x है, फिर y बना, और y के बनने के यहाँ पर पहले ट्रांजिशन स्टेट आया। सिमिलरली y से z बन रहा है और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है। सेकेंड केस में अगर आप देखते हो तो x से z डायरेक्टली बन गया है एंड y इज ट्रांजिशन स्टेट, y इज नॉट अ कंपाउंड इन b केस। इसका मतलब b ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है फाइन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सही है अबाउट, कौन सा गलत है अबाउट इन अबाउट कैटलिस्ट, ये आपको बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ओके, कैटलिस्ट ऑल्टर्स द मैकेनिज्म। कैटलिस्ट ऑल्टर करता है क्या मैकेनिज्म को? हाँ बिल्कुल, कैटलिस्ट ऑल्टर करता है मैकेनिज्म को और थ्रेशोल्ड एनर्जी को चेंज करता है, डिक्रीज करता है, एज अ रिजल्ट एक्टिवेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। ओके, द कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यस दे डू, दोनों ही एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देते हैं, फॉरवर्ड वाली भी बैकवर्ड वाली भी। द कैटलिस्ट ऑल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर।
क्या वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन को ऑल्टर करते हैं? नहीं, आपको याद होगा जब हम इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो वहां हम सीखते हैं कि एक कैटलिस्ट अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को फास्ट कर देगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के टाइम पे कौन कौन बन रहा है, वो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट या फिर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सेम होते हैं, ठीक है? तो सी वाली बात गलत है. एंड कैटलिस्ट डिक्रीजेस द टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ट्रू. तो कैटलिस्ट के बारे में ये सारी बातें सही है, वो ऑल्टर करते हैं मैकेनिज्म को चेंज कर देते हैं, दे चेंज मैकेनिज्म, इट इज़ ट्रू. उनके बारे में वो ईए को, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, ये वाली भी बात सही होती है. ओके, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया फिर? सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये यूरेनियम से आप बनाओगे, यूरेनियम-238 से आप बनाओगे यूरेनियम-234, क्या क्या करना होगा ये आपको बताना है. 238 है ये, ठीक है? 238 से हम बनाएंगे 234 को, क्या करना है देखते हैं. तो 238 है, ठीक है, आप यहाँ पे यूरेनियम-238 रखे हो. ओके फाइन, कितना अटोमिक नंबर मेंशन किया हुआ है डायरेक्टली? 92. 92 इज अटोमिक नंबर. अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए यूरेनियम ही. इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए लास्ट में, ठीक है? यूरेनियम से आप यूरेनियम ही बना रहे हो, लेकिन 238 से आप 234 बना रहे हो. इसका मतलब आप आइसोटोप क्रिएट करना चाहते हो, मास नंबर को चेंज कर रहे हो, एटॉमिक नंबर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है? मास नंबर को चेंज करने का ऑप्शन क्या है? 4 से 4 से डिक्रीज करना है आपको मास नंबर को. ओके, तो ये डिक्रीज करने का क्या तरीका होगा? बहुत अच्छा तरीका है, अल्फा पार्टिकल को एमिट कर दो, 4 से मास नंबर डिक्रीज हो जाता है. देखते हैं, अल्फा पार्टिकल को आपने एमिट कर दिया 4 और ये 2, और फिर यहाँ पर मास नंबर देखो क्या होता है, 234. 234 प्लस 4 इज 238, एंड हेयर इट इज 90, ठीक है? अब 90 हो गया 92 से अगर एटॉमिक नंबर, इसका मतलब एलिमेंट बदल गया, है ना? एलिमेंट अब कौन सा हो जाएगा? थोरियम, TH. नाउ अब देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट. तो ये हमारा थोरियम है, थोरियम 90 एंड दिस इज 234. अब क्या करना चाहोगे? आपको तो इसे इंक्रीज करना है ना, 90 को बढ़ाकर आपको ले जाना है 92 तक. तो एटॉमिक नंबर बढ़ता कैसे है? जब हम बीटा पार्टिकल को एमिट कराते हैं. तो बीटा पार्टिकल अगर एमिट होगा तो मास नंबर तो सेम रह जाना है, मास नंबर तो सेम रह जाना है, मास नंबर को सेम रखिए, और एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है. किस तरह से? यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो 234 मास नंबर को पोजेस कर रहा होगा, और एटॉमिक नंबर कितनी होगी उसकी? 91. 91 माइनस 1 इज 90. ओके, सो यहाँ पे हमें कौन सा एलिमेंट रखना चाहिए? 91 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है? पैलेडियम. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब क्या करोगे? पैलेडियम-234 है, तो ये तो समझ गए कि अगर हम एक बीटा पार्टिकल को एमिट कर देते हैं तो उससे मास नंबर चेंज नहीं होता है. तो ये अभी भी 234 है, यहाँ पर ये 91 है, और एक और बीटा पार्टिकल को आप एमिट कर दो, उससे क्या होगा कि आपका मास नंबर तब भी चेंज नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 92 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 1 से. और ये फिर से एलिमेंट कौन सा आ जाएगा 92 नंबर वाला, एटॉमिक नंबर वाला? यूरेनियम. तो हमने क्या किया बेसिकली, यूरेनियम के आइसोटोप को क्रिएट करने के लिए एक बार अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल को एमिट किया. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड में कहाँ कहाँ पे कार्बन एटम्स होते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. वैसे हम ये अपने नॉलेज से ये सब जानते हैं कहाँ पर कार्बन एटम्स होता है. फिर कह रहा है कि एज लेंथ गिवन है 356, आपको बताना है डायमीटर ऑफ कार्बन एटम कितनी होगी. तो आप ये देखिए कि ये जो डायमंड वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको बार बार क्विज में पूछ रहा है, इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिलेशन क्या है डायमंड का, आपको पता होगा. रिलेशन डायमंड का, 2R is equal to √3A/4, याद है ना? यहाँ पे ए है क्या? ए है साइड लेंथ, दिस इज साइड लेंथ. ओके, और आर इज रेडियस ऑफ कार्बन एटम. तो अगर डायमीटर पूछ रहा है, इसका मतलब हम पूरा का पूरा 2R बता देंगे. निकाल लेते हैं √3 × A. ए की वैल्यू कितनी? 356 पिकोमीटर, 356 पिकोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपॉन 4, ठीक है? बस, तो ये सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 154 पिकोमीटर.
ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट शॉर्टकट इफेक्ट. देखते हैं शॉर्टकट इफेक्ट में होता क्या है. कैटायन, कैटायन एंड एनायन दोनों मिसिंग होते हैं. बोथ आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस. दोनों ही मिसिंग होते हैं, है ना, कैटायन एनायन दोनों. तो इन दोनों के मिसिंग होने से क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, राइट. ओके, लेकिन जब ये मिस होते हैं तो कैटायन जितने चार्ज का मिस होगा उतने ही चार्ज का एनायन भी मिस होगा. इसका मतलब है फाइनली आपका जो सब्सटेंस है, जो क्रिस्टल है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा. ओके, सो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है, कहता है कि एब्सेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, दिस इज ट्रू. नेक्स्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट आर मोर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. यस, वी नो दिस. शॉर्टकी डिफेक्ट ज़्यादा कॉमन होता है इन आयनिक कंपाउंड्स विथ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर. डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज लार्जर. नो, डेंसिटी डिक्रीजेस. तो ये वाली बात गलत हो गई है, ठीक है. और क्रिस्टल हैविंग, इट इज न्यूट्रल ऑफ कोर्स. तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट. इन डीके प्रोसेस, ए से आप डीके की हो और अल्फा पार्टिकल डीके हुआ है, देखते हैं क्या होता है अल्फा पार्टिकल को डीके करने पे. तो डीके किया, ओके फाइन. ए से एक अल्फा पार्टिकल, ए से एक अल्फा पार्टिकल और फिर बी बन गया. ओके, अल्फा पार्टिकल को डीके करने से फोर अटोमिक नंबर, टू अटोमिक नंबर, ए की वैल्यू, लेट सपोज इसकी मास नंबर वाई है और एक्स है अटोमिक नंबर, ये कितना बनेगा वाई माइनस फोर और ये कितना बनेगा एक्स माइनस टू, राइट. ठीक है, अब आगे बी जो आपका बना है उसको क्या कर रहे हो, वहाँ से आप एमिट करा रहे हो एक बीटा पार्टिकल. तो ये एक्स माइनस टू है और यहाँ से आपने एक बीटा पार्टिकल को एमिट करा दिया. बीटा पार्टिकल एमिट कराने का मतलब आप समझते हैं, मास नंबर तो सेम रहेगा लेकिन जो आपका अटोमिक नंबर है वो बदल जाता है, वो वन से इंक्रीज हो जाता है. तो मास नंबर तो सेम है अभी भी, सी में मास नंबर सेम है लेकिन ये एक्स माइनस वन हो गया है. एक्स माइनस वन, माइनस वन इज एक्स माइनस टू. ओके फाइन, ये कर लेने के बाद फिर आगे देखते हैं अब क्या होता है. तो अब क्या हुआ कि हमारा जो सी था वहाँ से फिर से एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है. तो सी से एक और बीटा पार्टिकल को आप एमिट कर दो वाई माइनस फोर, एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ माइनस वन. और क्या देख सकते हैं आप, डी बन रहा है ना, अभी भी मास नंबर तो वही सेम रहेगा वाई माइनस फोर. और आप देख लीजिए एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स रख देना चाहिए मुझे. अब आप समझते हो एक्स और ए इनके बीच, दिस वन ए जो आपका है जिसके एटॉमिक नंबर एक्स है, यहाँ देखो इस डी की भी एटॉमिक नंबर एक्स है ना. ए मास नंबर वाई एंड यहाँ पे डी का मास नंबर वाई माइनस फोर है. इसका मतलब अटोमिक नंबर से ही मास नंबर डिफरेंट, आप जानते हो बहुत अच्छे से, इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स. सो दिस इज करेक्ट, ए एंड डी आर आइसोटोप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सॉलिड ए बी टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए इज ए. तो सॉलिड है क्या, सॉलिड आपका ए बी टू है, ठीक है ना. आपके सॉलिड में ए और बी की रेशियो वन इज टू टू है, सही बात है. ओके, नाउ इट हैज अ क्यूबिक पैक लैटिस ऑफ बी एटम्स, हाउएवर इट हैज गॉट सीसीपी लैटिस. तो ये है हमारा जो है ना, ये पूरा लैटिस वो सीसीपी है. अब क्या कहता है कि हाफ ऑफ द बी एटम्स आर इजेक्टेड, हाफ को बाहर निकाल दिया. तो बताओ अभी कितने टेट्राहेड्रल होल्स अल्टीमेटली फिल्ड है, ये आपको बताना है. तो पहले तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए कहाँ पर है और बी कहाँ पर है, ठीक है. देखो ए इज टू बी की रेशियो जो है हमारे इस यूनिट सेल में वो वन इज टू टू की है. ओके, अब कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए, मतलब ए कितने सारे बी से घिरा हुआ है, एट बी से घिरा हुआ है. तो आप ये समझो कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए अगर 8 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी कितना रहा होगा, 4, है ना. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी 4 रहा होगा. बी 8 ए से घिरा हुआ है. ओके, एंड ए जो आपका है वो अल्टीमेटली 4B से घिरा हुआ है, समझ रहे हैं इस बात को. तो अब यहां पर क्या देख रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बी
फोर दिखा रहा है, इसका मतलब बी कहाँ पर प्रेजेंट होगा? जरूर ये जो बी है ना वो कहाँ पर प्रेजेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और जो आपका ए है, ए वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो जरूर प्रेजेंट है एफ सी सी में, ठीक है? जिसके कारण आप जानते हो एक टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा चार एटम से घिरा हुआ रहता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ही फोर आती है। तो हमारा जो बी है उसके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर आ रही है, इट मींस बी प्रेजेंट कहाँ पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर बीइंग ऑक्यूपाइड बाय बी। ओके फाइन। नाउ ये तो समझ में आ रहा है कौन कहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए ए अगर एफ सी सी बनाया है मतलब ए की इफेक्टिव नंबर फोर है, और बी अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है इसका मतलब बी टोटल एट प्रेजेंट है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर होता है टू इंटू नंबर ऑफ एटम्स, राइट? सो ए फोर है बी एट है, रेशियो ए इज टू बी की 1:2 आ रही है। अब क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में अब बहुत साइलेंटली बी के हाफ एटम्स को हटा लिया है, ठीक है? इसका मतलब है कि अगर बी के फोर एटम्स रिमूव हो चुके हैं, हाफ एटम्स नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स फिल्ड अब कितने रिमेनिंग है, तो हाफ बी को आप इजेक्ट कर दो। अगर आप हाफ बी को इजेक्ट करोगे मतलब फोर एटम्स ऑफ बी आर इजेक्टेड, तो अब आप बताओ जो रिमेनिंग टेट्राहेड्रल होल्स हैं वो कितने सारे फिल्ड हैं, कितने सारे वॉइड हैं? तो आप चेक कर सकते हैं रिमेनिंग टेट्राहेड्रल होल्स रिमेनिंग। टेट्राहेड्रल होल्स जो अब हैं वो किस तरह के हैं, उनमें से चार तो टेट्राहेड्रल होल हैं जिसको बी ऑक्यूपाई कर लिया है, राइट? और फोर हैं जो होल्स की फॉर्म में है। समझ गए आप बात को? तो बी जब बाहर निकल गया इसका मतलब वो चार टेट्राहेड्रल होल को एज इट इज छोड़ दिया है, बाकी जो चार हैं उनमें बी प्रेजेंट है। ओके सो इट मींस अब आंसर क्या बनाएंगे हम, हमारा जो अभी बचा हुआ टेट्राहेड्रल होल है वो किसके बराबर आ रहा है? फोर के बराबर। और फोर एग्जैक्टली कौन सा नंबर है? फोर एग्जैक्टली ए का नंबर है। ए टोटल हमारे पास फोर ही थे, तो अगर इस रेफरेंस में बताना हो तो हम फोर को क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं फोर इज करेक्ट। कितना बचा हुआ टेट्राहेड्रल होल है? फोर बचा हुआ है। कितना बी बचा हुआ है? फोर भी बचा हुआ है। लेकिन ये जो फोर नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट है? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए एटम्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। ओके तो हमारा ऑप्शन फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर्स इन बी सी सी मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। थर्ड नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट, सेकेंड नियरेस्ट नेबर एंड थर्ड नियरेस्ट नेबर। देखिए बी सी सी में पहला तो आपका आता है नियरेस्ट नेबर, दिस इज नियरेस्ट। फिर आता है नेक्स्ट नियरेस्ट। ओके और लास्ट होता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो पहला वाला है फर्स्ट नियरेस्ट, उसके बाद वाला है सेकेंड नियरेस्ट, और लास्ट वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। ओके अब देख लेते हैं ये डिस्टेंस क्या क्या होती है। तो नियरेस्ट नेबर जो होते हैं वो होते हैं रूट थ्री ए बाई टू डिस्टेंस पे, ठीक है? एक बॉडी सेंटर में रहेगा और बाकी कॉर्नर्स वाले रहेंगे। इनका नंबर क्या होता है? इनका नंबर होता है एट। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट होता है उनका वो किस डिस्टेंस पे होते हैं? वो होते हैं ए डिस्टेंस पे, और उनका नंबर होता है सिक्स। और लास्ट है हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, ये होते हैं रूट टू ए डिस्टेंस पे, और इनका नंबर होता है 12। ओके तो नेक्स्ट टू ए नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर में हमारा फिर आंसर थर्ड नियरेस्ट नेबर, इनको आप कह सकते हो। पहला फर्स्ट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सो दिस इज 12। ओके फाइन। कमिंग क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, बताना है क्या सही है, और बड़ा अच्छा सा है ये ग्राफ, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। द ग्राफ शोज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स्ड रखा है। फॉर अ रिएक्शन टू अकर द मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड टुगेदर विद सफिशियंट एनर्जी। ट्रू ट्रू ट्रू, सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स के पास। अब कहता है ये जो ई है, दिस रिप्रेजेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन बिटवीन द गैसेस। ई रिप्रेजेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये जो ई है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बता रहा है। ऑफ द टू शोन वन इज कैटेलाइज्ड एंड द अदर इज अनकैटेलाइज्ड वन। आपको बताना है कौन सा सही है इनमें से। तो आप देखो, जब ई बता रहा होता है एक्टिवेशन एनर्जी को, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाती है। ये आप जानते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, राइट। और अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर ई ए टू इज लेस देन ई ए वन, है ना। एनर्जी यहाँ पर प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस में एनर्जी प्लॉट किया है, तो यहाँ पर ई ए टू है, उसके बाद ई ए वन है, इसका मतलब है ई ए टू छोटा है, कम है वेन कम्पेयर टू ई ए वन। ई ए टू लेस है, और लेस है इसका मतलब है कि ई ए टू जो है हमारा वो एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड। समझ रहे हैं ना। ओके फाइन, तो ये तो पक्का पता चल गया है दैट ई ए टू, ये वाली रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड, इट इज कैटलाइज्ड। नाउ आगे कुछ और बात कर रहा है ये, किसमें इफेक्टिव कोलिशन है, किसमें इनइफेक्टिव कोलिशन है। तो आप देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप वाई एक्सिस पे प्लॉट कियो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी इस केस में अधिक आ रहे हैं, और सेकेंड केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी कम आ रहे हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करस्पॉन्डिंग टू एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा कौन से केस में आ रहे हैं, जिस केस में आपके पास कैटलिस्ट प्रेजेंट है, राइट। तो हमारा यहाँ डायरेक्टली आंसर बन रहा है कैटलाइज्ड ई ए टू इज कैटलाइज्ड रिएक्शन विथ मोर इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है ना। तो यहाँ तो वैसे आप ग्राफिकल स्टडी कर लिए, लेकिन इस तरह से आप जानते हो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो इससे आप पता कर लेते हो कि इतनी सारी जो फ्रैक्शन है वो इफेक्टिवली कोलाइड कर रही है। अभी डायरेक्टली आप ग्राफ से भी आंसर बता सकते हैं। सो एंड ई ए वन क्या है, अनकैटलाइज्ड विथ फ्यूअर इफेक्टिव कोलिजन, सो गोइंग विथ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन इज 3, हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन वुड इंक्रीज इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाई 30 केल्विन। तो आप जानते हो रेट, जो फाइनल रेट होता है वो इनिशियल रेट से किस तरह से रिलेटेड है। इनिशियल रेट ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, म्यू डेल्टा टी टू द पावर म्यू टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10। तो रेट फाइनल बताना है, किस तरह से रेट फाइनल डिटरमिन होगा। रेट फाइनल विल बी इक्वल टू रेट इनिशियल। म्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है 3, तो बस ये 3 हो गया। डेल्टा टी की वैल्यू कितने से रेज हो रही है, 30 से रेज हो रही है अपॉन 10। सो इट इज आर आई इनिशियल रेट इन टू 3 to the power 3, दैट इज 27 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। फाइन, नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग एनर्जी डायग्राम फॉर अ रिएक्शन दैट ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज लेस देन 0। एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या है, रिवर्स रिएक्शन में आप जानते हो जो आपका प्रोडक्ट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, वही रिवर्स रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी देखें, तो ये तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से मिलेगा आपको, और ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट तक, ये दो है ना यहाँ पे जो मैंने एरो ड्रॉ किया है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, दिस इज द एरो, दिस शोज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, सो ऑफ कोर्स इट इज नॉन जीरो।
अब हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, EAF। रिएक्टेंट से लेकर, रिएक्टेंट की एनर्जी से लेकर थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी कितनी है, थ्रेशोल्ड माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट्स फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये EAF गिवन है। ओके तो अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स ओनली एंड बिफोर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। इस ऑप्शन के बारे में आप बहुत अच्छा पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। आपको शायद याद हो इनिशियल टाइम पे एट टी इज इक्वल टू जीरो जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो मैक्सिमम होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं मैक्सिमम और प्रोडक्ट होता है ज़ीरो, प्रोडक्ट होता है ज़ीरो, प्रोडक्ट इज ज़ीरो। तो अब अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आप जानते हो रेट डिपेंड करता है ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ओके तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली मैक्सिमम होती है, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो और टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज जीरो। फिर क्या होता है टाइम को इंक्रीज करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे कम होती जाती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाता है एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। और फिर एक टाइम आता है जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस टाइम को आप कहते हो इक्विलिब्रियम, राइट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड घटकर और बैकवर्ड बढ़कर बराबर हो जाता है और उस पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम बोलते हो। तो ये सही है क्या, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स ओनली एंड बिफोर इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। नो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो डिक्रीज होती जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होता है ना। ठीक है तो ये गलत है ये। फिर द इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर चेंज ऑन द रेट इज ग्रेटर फॉर फॉरवर्ड दैन फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो इस ग्राफ में हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आप जानते हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज हमें कैसे बताना चाहिए, मालूम होगा आपको log k2 upon k1 is equal to ea upon 2.303 r into 1 upon t1 minus 1 upon t2। ठीक है तो अगर आप टेम्परेचर चेंज सेम भी रखते हो दो अलग अलग कंडीशन में तो आपको ये जो रेशियो है k2 और k1 की ये अधिक मिलेगी अगर ea की वैल्यू ज़्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी जिस भी रिएक्शन का ज़्यादा होता है उसमें टेम्परेचर को चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है रेट कांस्टेंट पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी किस केस की ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वेन कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। सो ये जो स्टेटमेंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन रेट इज ग्रेटर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड इज लेस दैन दैट ऑफ रिवर्स, नहीं यहाँ तो ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड का देखो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वैन कम्पेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये गलत है। फिर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट कमिंग टू इन एफ सी सी द क्लोज्ड पैक लेयर्स आर परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपको क्लास में ड्यूरिंग योर लेक्चर बहुत ही अच्छे डायग्राम से समझाया गया था। देखिए क्या है इस डायग्राम को याद करना, ये आपके नोट्स में होगा सॉलिड स्टेट की नोट्स में। सबसे पहले हमारा हम जब एफ सी सी को आप एफ सी सी का एक यूनिट सेल उठाते हो, ठीक है उस यूनिट सेल की जगह पे आप पूरे लैटिस को इमेजिन करो, पूरा एक लैटिस है और वो जो ए बी सी काइंड ऑफ लैटिस होता है वहाँ से एक यूनिट सेल उठाया जाता है और वो यूनिट सेल फिर आपका एफ सी सी बन जाता है, राइट। तो हमारे पास अभी एक यूनिट सेल प्रेजेंट है और इस यूनिट सेल में हम देख रहे हैं कि इसमें अल्टीमेटली कितना लेयर्स आया। हम जब उस बड़े से लैटिस में से एक यूनिट सेल निकाले ना तो उस यूनिट सेल में कितने सारे लेयर्स आ गए वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखना ये है फर्स्ट लेयर, ये पहला। थोड़ा सा मैंने क्या किया है ये जो क्यूब है हमारे पास एक क्यूब है इसको थोड़ा मैंने टिल्ट, मैं थोड़ा टिल्ट करके देख रही हूँ, ऐसे टिल्ट करके देख रहे हैं, ठीक है फाइन। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये दिस पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे टिप पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर है, फर्स्ट लेयर है ये सबसे ऊपर, दिस इज ए लेयर। ओके नाउ
बी लेयर देखते हैं, बी लेयर। बी लेयर इसके बाद का नीचे, इसके बाद का लेयर, ए लेयर के बाद वाला लेयर बी लेयर। देखते हैं बी लेयर में कौन कौन से आए, बी लेयर के कौन कौन से एटम्स इस यूनिट सेल में आए। तो बी लेयर का एक, दो, तीन, चार, पांच एंड सिक्स, ये छह एटम्स सेम लेयर में प्रेजेंट हैं, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा आप इसे टिल्ट करके देखो, ब्लू वाले को टॉप पे रखो, उसके बाद ये रेड वाला लेयर है। फाइन, ओके। इस रेड वाले लेयर में कौन कौन पार्टिसिपेट किया है इन दिस यूनिट सेल? कॉर्नर एटम्स, कौन कौन से कॉर्नर कॉर्नर एटम्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये कॉर्नर एटम है, ये भी कॉर्नर एटम है, और ये लास्ट वाला कॉर्नर एटम है। तीन कॉर्नर एटम गया सेकेंड लेयर में, ओके। एंड कौन गया? दिस इज फेस सेंटर एटम, दिस इज फेस सेंटर, दिस इज फेस सेंटर एटम एंड दिस इज फेस सेंटर एटम। तो पहला लेयर हमारा ए लेयर था, एंड द सेकेंड लेयर जो छह एटम से मिलकर बना है, दिस लेयर इज बी लेयर, बी लेयर। ओके, नाउ कमिंग टू सी लेयर। सी लेयर कौन सा है देखते हैं। वन, टू अगेन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ये जो बी लेयर है ना, ये एग्जैक्टली सी लेयर पे बैठा हुआ नहीं है, अलग अलग है दोनों। तो पहला ए लेयर, टिल्ट करके देखना है इस क्यूब को, ए को सबसे ऊपर रखना, फिर बी लेयर को रखना, उसके बाद सी लेयर आया है। सी लेयर में भी हम देखेंगे, ये जो पूरा बनाया है मैंने, ये सी लेयर है, और सी लेयर में भी कितने कौन कौन से एटम्स हैं? कॉर्नर वाले, और ये वाला भी कॉर्नर वाला है, और कौन है? फेस सेंटर वाला, फेस सेंटर वाला, और यहाँ पर भी फेस सेंटर वाला, ये सारे फेस सेंटर वाले हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आ रहा है वापस से ए लेयर रिपीट होने के लिए, एंड दिस इज अगेन ए लेयर। फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखते हैं कि अगर हम यहां से ए लेयर तक एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू बी लेयर एंड सी लेयर, तो वो लाइन क्या होगा? ओके, चलो ड्रॉ करते हैं। अगर आप यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करते हो, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है जो मैंने ब्लू ब्लू डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन दोनों लेयर के, बी लेयर एज वेल एज सी लेयर के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन अल्टीमेटली बॉडी डायगोनल है। सो बॉडी डायगोनल, बॉडी बॉडी डायगोनल जो आपने ड्रॉ किया है इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी लेयर इन डायग्राम। ओके, तो हमने जो यहां पर ड्रॉ किया है, दिस इज बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल। बात समझ गए हो? फाइन, तो हमारा ऑप्शन सीधा हो गया, बॉडी डायगोनल ऑफ सेल। ये तो डायरेक्टली आपके नोट से क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू अ क्रिस्टल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एक्स एंड वाई, एक्स फॉर्म्स एफ सी सी पैकिंग एंड वाई फॉर्म्स ऑक्यूपाइज ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, एक्स क्या किया है? एफ सी सी बनाया है, एफ सी सी। एफ सी सी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? फोर। वाई क्या बनाया है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है वाई। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? फोर। इफ ऑल द पार्टिकल्स अलॉन्ग वन बॉडी डायगनल आर रिमूव्ड, एक बॉडी डायगनल के अबाउट कितने पार्टिकल्स आएंगे? आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर सिचुएटेड होता है? बॉडी डायगन, बॉडी सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर पे, और कहां पर होता है? एज सेंटर पे, एज सेंटर्स पे। तो आपने रिमूव किया, जो आपने रिमूव किया है अल्टीमेटली, वो किसको किसको रिमूव किया है? जो आपने रिमूव किया है ना, उसमें कौन कौन गायब हुआ होगा पता है? उसमें बॉडी सेंटर वाला गायब हो गया होगा, बॉडी सेंटर वाला, और एक बॉडी डायगोनल आपने बनाया ना, उसमें जितने भी एटम्स आए तो उसको रिमूव कर दिया, तो एक तो बॉडी सेंटर वाला चला गया, और कौन चला गया? कॉर्नर्स वाले दो चले गए, कॉर्नर्स वाले दो आउट, बॉडी सेंटर वाला एक आउट, राइट? तो अब देखते हैं बचा हुआ क्या है, देख लो जल्दी इसमें क्या बचा हुआ है। सिंपल हो गया आप क्वेश्चन। तो रिमेनिंग कौन है? रिमेनिंग एक्स को अगर देखें तो फोर माइनस, दो कॉर्नर वाले तो चले गए, एक कॉर्नर का इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, तो 2 इंटू 1/8 कितना बना ये?
फोर माइनस वन बाई फोर और ये आ गया 15/4। ठीक है, अब देखते हैं y का क्या हुआ। तो y जो हमारा था, y में क्या है, y था हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, एक बॉडी सेंटर वाला चला गया। ठीक है, इसका मतलब 3 बचा हुआ है। तो आप रेशियो निकाल लो, 15/4:3, ये किसके बराबर बन रहे हैं, 15:12 एंड दैट इज इक्वल टू 5। लेट मी राइट इट अ बिट डाउन, इधर लिखती हूँ। तो ये कितना बन रहा है हमारा रेशियो, रेशियो इज 15:12 एंड दैट इज 5:4। तो एक्स 5 रह गया, एक्स 5 है और वाई 4 है, तो विल गो बाय ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा वॉज रिकॉर्डेड कॉन्सेंट्रेशन वर्सेज टाइम, हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। अब देखो हाफ लाइफ टाइम दे रहा है तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। आप एक रिलेशन जानते हो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c0n-1। इसका मतलब है कि अगर कभी भी आप ऐसा देख रहे हो कि टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो इट मीन्स रिएक्शन कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए, टी हाफ कभी आपने देखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, इसका मतलब रिएक्शन है जीरो ऑर्डर। कभी आपको मिला टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c0, इट मीन्स योर रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। कभी आपको मिला टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c0^2, तो 1/c0^2 आ रहा है, इसका मतलब n-1 = 2। तो यहाँ से आ गया हमारा जो रिएक्शन है वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो अभी तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखो कॉन्सेंट्रेशन को आप चेंज करते जा रहे हो लेकिन टी हाफ नहीं बदल रहा है, टी हाफ ऑलमोस्ट सेम है, इसका मतलब हमारा रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब 17th नंबर क्वेश्चन को थोड़ा समझना, ठीक से समझना, टाइम देकर समझना है। ओके, तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो ये एक एस्टर है, राइट, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है बेसिक मीडियम में, तो दो बातें होती है। अगर एक एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है इन एसिडिक मीडियम, समझना, इन एसिडिक मीडियम, तो वो रिएक्शन होता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब क्या है कि H प्लस तो कैटलिस्ट है और जो आपका वाटर है वो एक्सेस में है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमारा पूरा रेट विल डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, राइट। हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम इज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर। लेकिन यही अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम, तो फिर यही रिएक्शन हो जाती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ओके, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे एस्टर का, स्यूडो यूनिमोलिकुलर। अगर आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हो एस्टर का, तो फिर रिएक्शन विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, विल फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये दोनों है एस्टर की हाइड्रोलिसिस, एस्टर की हाइड्रोलिसिस। अब देखते हैं क्या है हमारे पास ग्राफ, किसकी बात कर रहा है, क्या कह रहा है। तो पहला तो ये समझ में आया, क्वेश्चन में एक एस्टर दिया हुआ है और बेसिक मीडियम में उसकी हाइड्रोलिसिस करा रखी है, सेपोनिफिकेशन कहते हैं इसे हम, और फिर सॉल्ट बना है और एसिड बना है और अल्कोहल बना है, राइट, एसिड एंड अल्कोहल, और एसिड से ये सॉल्ट बन गया है एसिड का, फाइन। तो हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो हो रहा है इस केस में, ये तो हमें पता है अपने एग्जाम्पल से। अब देखो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आपको ग्राफ मालूम है, एक ग्राफ होता है, ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ जो होता है ये है
दिस ग्राफ इज ठीक है, ग्राफ इज इन बिटवीन, एक जनरल जनरल ग्राफ हम बना लेते हैं। क्या होता है जनरल ग्राफ? तो सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज सी नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज सी नॉट एंड दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज सी टी। ये है टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन, टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। ओके, तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको एक रिलेशन मिलता है। रिलेशन क्या होता है? वन अपॉन सी टी टू द पावर एन माइनस वन वर्सेस हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं टी, एन है ऑर्डर। इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन मिली है इसकी स्लोप होती है के इंटू एन माइनस वन, और ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये होता है वन अपॉन सी नॉट टू द पावर एन माइनस वन। ओके, चलिए दिस इज, ये आता है जनरल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर से। अब हम क्या करेंगे, इस बात को सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन पे अप्लाई कर देते हैं। तो चलो सेकेंड पे अप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। सेकेंड में अप्लाई करेंगे, सेकेंड में अप्लाई कीजिए। सेकेंड में अप्लाई करते ही आपका ग्राफ बना ओके। सो दिस इज योर ग्राफ, और ग्राफ में फॉर सेकेंड ऑर्डर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, वन अपॉन सी टी टू द पावर एन माइनस वन, एन की जगह पे टू, टू माइनस वन। ओके ठीक है, अब देखो हमारे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, फाइन। लेट सपोज टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट ए था, प्रोडक्ट तो शुरू में जीरो था, फिर क्या हुआ ये एक्स खत्म हो गया और टाइम टी इज इक्वल टू टी पे ये जो बचा है ये है ए माइनस एक्स और ये जो बना है ये है एक्स। तो फॉर्म्ड अमाउंट ऑफ एक्स, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उतना ही बनेगा जितना ये रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत हमारे पास है। अब हम ड्रॉ करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन इज ए माइनस एक्स, रिएक्शन जो हुई है जो प्रोडक्ट बन चुका है दैट इज एक्स। अब देखो जनरल इक्वेशन को देखकर आप ये ग्राफ तो प्लॉट कर सकते हो, टाइम इधर प्लॉट कर दिया, y एक्सिस पे क्या प्लॉट करना चाहिए, वन अपॉन सी टी टू द पावर एन माइनस वन, इसका मतलब है सी टी एट एनी गिवन टाइम कॉन्सेंट्रेशन, इट मीन्स वी शुड प्लॉट वन अपॉन ए माइनस एक्स y एक्सिस में एट एनी गिवन टाइम, तो यही कॉन्सेंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, फाइन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है y इंटरसेप्ट वन अपॉन सी नॉट टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ पे वन अपॉन सी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, ए है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, टू दी पार सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब टू दी पार टू माइनस वन होगा, वन आ गया, फाइन। इधर स्लोप कितना बोलोगे, के इंटू टू माइनस वन, इस रिएक्शन को देखकर बोल रहे हो ना ये वाले रिएक्शन, ये तो रिएक्शन जनरल रिएक्शन है, उसको देखकर यहाँ पर हम बता सकते हैं दैट इज इक्वल टू के। ओके फाइन, तो हमें समझ में आ गया है कि हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज, देखो आप इस ग्राफ को देखकर बता सकते हो, वन वन अपॉन ए माइनस एक्स से और वाई वाई एक्सिस पे आपने ये प्लॉट किया है, तो हम लिख सकते हैं ग्राफ में बिल्कुल इक्वेशन, चलिए इसका लिखते हैं, वन अपॉन ए माइनस एक्स वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे आपने किसको रखा है, एक्स एक्सिस पे आपने रखा है टेम्परेचर, तो वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेम्परेचर यहाँ पर रखा है, स्लोप स्लोप क्या है, स्लोप के आया था प्रीवियस सेक्शन में, स्लोप वॉज के, प्लस वाई इंटरसेप्ट कितना था वन अपॉन ए, राइट। तो ये ग्राफ हमारा बन गया है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, थोड़ा घुमाकर CH3OH एंड टी एंड टाइम, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की ग्राफ को प्लॉट करना है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम की ग्राफ को प्लॉट नहीं करना अभी क्वेश्चन में,
इसका मतलब है आप समझ सकते हो ना, प्रोडक्ट तो कितना बन रहा है, प्रोडक्ट एक्स बन रहा है। तो चलिए फिर हम उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आपको क्या प्लॉट करना पड़ेगा, आपको प्लॉट करना पड़ेगा नॉट ए माइनस एक्स, नहीं चाहिए क्वेश्चन को, चाहिए एक्स वर्सेस टी बना कर दो, एक्स वर्सेस टी। ओके तो चलो एक्स वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कैसा बनता है वो। तो वो एक करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। सॉल्व करते हैं, वन अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस वन अपॉन ए, इसको सॉल्व कीजिए आगे, भेज देते हैं वन माइनस माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। और आगे सॉल्व करेंगे, ए इंटू ए माइनस एक्स, यहाँ गया ए माइनस एक्स, यहाँ पर आया माइनस ए इज इक्वल टू के टी। कैंसिल करने के बाद दिस इज ए एंड दिस इज, सो इट इज, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो आप आगे, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेती हूँ इन अ सिंगल स्टेप। सो दिस वन इज ए माइनस एक्स, राइट। तो ये सॉल्व करके क्या आ रहा है, ए माइनस से तो कैंसिल बन गया, कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, राइट। चलिए आगे देखते हैं, ये जो आपका एक्स, इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओ, और आगे ले जाने के बाद ये बनेगा एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए के टी, राइट। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ए माइनस एक्स रेसिप्रोकल ले लो इज इक्वल टू ए के टी, वन अपॉन ए के टी, आई शुड राइट हेयर वन अपॉन ए के टी, वन अपॉन ए के टी। ए अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए के टी। अब आप समझ सकते हो एक्स और टी के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स एंड टी, हेयर इज एक्स और यहाँ पर है टाइम। ठीक है, तो आप इस रिलेशन को देखिए, ये अब इस इक्वेशन को देखकर आप समझ सकते हो कि ये इक्वेशन जो आपका ग्राफ देगा वो समवेयर सिमिलर टू हाइपरबोला देगा, एग्जैक्टली तो नहीं, सिमिलर टू हाइपरबोला मिलेगा। अगर आप टी को इंक्रीज करोगे तो एक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ऐसा कुछ मिल रहा है या नहीं। तो हमारे क्वेश्चन में टी को इंक्रीज किया, एक्स भी बढ़ता हुआ कहाँ पर दिख रहा है, इन फर्स्ट और समवेयर। ठीक है, एग्जैक्टली तो हाइपरबोला नहीं बन सकता इससे, लेकिन रिलेटेड है हाइपरबोला से ये ग्राफ। सो हमारा ए ग्राफ इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दीज ऑल आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, दीज आर इनकरेक्ट ग्राफ्स। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, ए टू बी मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल लैटिस एज शोन इन फिगर, द लैटिस कॉन्स्टेंट्स गिवन है, आपको बताना है इनमें से क्या क्या सही है। ओके, तो एक हेक्सागोनल लैटिस क्या पूछा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ गिवन यूनिट सेल, ऐसा पूछ रहा है ना। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है एक हेक्सागोनल यूनिट सेल का, वॉल्यूम निकालने के लिए हम एरिया इंटू बेस एरिया इंटू हाइट करते हैं, यही करते हो, बेस एरिया इंटू हाइट। और बेस एरिया कितना होगा, बेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, रूट थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर, ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया बेस में, और बेस में कितने सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं इन अ हेक्सागन, सिक्स। ओके, तो रूट थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर इंटू सिक्स, इससे एरिया आ गया बेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे, इंटू हाइट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या वैल्यूज है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए स्क्वायर कितना पुट करोगे, 5 एंगस्ट्रम पुट कर देना, 5 एंगस्ट्रम मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर देना, सेंटीमीटर में पुट कर देना, इंटू 6 इंटू हाइट कितना बोलता है 8 एंगस्ट्रम, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अगेन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली 519 के आसपास आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप अगर रूट थ्री की वैल्यू 1.7 लोगे तो ये 510 आएगा, जो बच्चे ये रूट थ्री की वैल्यू अगर कोई बच्चे 1.7 रखते हैं तो फिर ये आंसर आपका 510 आ जाएगा, और जो रूट थ्री की वैल्यू 1.73 तक रखेगा उसके लिए आंसर 519 आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली दिस आंसर इज करेक्ट।
नाउ कमिंग टू मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना होता है आप जानते हो, फॉर मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करना होता है। देखते हैं डेंसिटी निकाल लो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। डेंसिटी इज इक्वल टू कितने एटम्स हैं इन टू वेट ऑफ वन एटम, ओके मोलर वेट जो भी दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देना है एवोगैड्रो नंबर से, इन टू वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, वैल्यूज पुट करते जाइए। डेंसिटी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है पुट कर दो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जेड तो निकालना है, ये तो पता करना है। मोलर वेट कितना दे रखा है देखो, 259.8, सो मोलर वेट इज 259.8 इन ग्राम्स पर मोल गिवन है। ये बोलता है 6 × 10⁻²³ यूज कर लो, ठीक है। वॉल्यूम अभी अभी निकाल लिया हमने, 519 × 10⁻²⁴ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 आ जाएगी, 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.9 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ए करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ना, इजी है बट बच्चे घबराते हैं इस टाइप के क्वेश्चन से। तो इन द फॉलोइंग गैशियस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इन एक रिएक्शन कह रहा है, ए गिव्स टू बी प्लस सी, सभी गैशियस हैं, ओके। इनिशियल प्रेशर वॉज फाउंड टू बी 400 mm ऑफ Hg, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे 400 प्रेशर था, इसका मतलब वो प्रेशर किसका होगा, सिर्फ ए का होगा, है ना। फिर टाइम टी इज इक्वल टू 20 मिनट्स तक ए थोड़ा खर्च हुआ, अब कितना बचा रह गया, 400 - x, बी कितना बना, ए जितना खर्च हुआ उसका डबल, और सी कितना बना जितना ए खर्च हुआ, यही कह रहा है ना स्टोइकोमेट्री, तो 1 से 2 और 1 बन रहा है, फाइन, एक्स से 2x और x बन गया। अब क्या है कि कहता है द प्रेशर हैज चेंज टू 1000 आफ्टर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर हो चुका है 1000 - x प्लस 2x + x इज इक्वल टू 1000, कैंसिल करेंगे ये कितना बन रहा है, 2x की वैल्यू आ रही है 600 और यहां से x की वैल्यू आ गई 300, राइट। x 300 आने का मतलब है कि अभी a कितना बचा हुआ है, लेफ्ट a, लेफ्ट अमाउंट ऑफ a, लेफ्ट a आफ्टर 20 मिनट्स इज इक्वल टू 100, 20 मिनट में वो a जो है वो आपका 100 बचा हुआ है, 400 - 300, 100। तो अब क्या हो रहा है कि शुरू में आपने लिया था 400, ए की जो अमाउंट थी वो शुरू में 400 थी, फिर वो 20 मिनट्स में 100 बन गया है, 20 मिनट्स में वो हो चुका है 100, ए 100 हो चुका है इन 20 मिनट्स, 100। तो अब आप थोड़ा देखो, ए को 400 से 200 होने में जितना टाइम लगेगा उसे आप क्या कहोगे, 1t½, राइट। और ए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ए 200 से 200 से फिर से 100 हो जाएगा, है ना, 200 से वो 100 होगा, मतलब फिर से आधा होगा एक और t½ में, और ये दोनों t½ आपस में बराबर है, और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20 मिनट्स, सो बोथ दीज t½ आर इक्वल टू 20 मिनट्स, एक साथ मिलाकर 2t½ इज इक्वल टू 20 मिनट आ रहा है, तो इसका मतलब है t½ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मिनट्स। 10 मिनट में ये 400 से 200 हो गया, और फिर से 10 मिनट में ये 200 से 100 हो गया ए, ठीक है, 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्या है, तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, हाफ लाइफ फॉर ए इज 10 मिनट्स, करेक्ट। रेट कांस्टेंट कितना होगा, तो रेट कांस्टेंट तो आप जानते हो, 0.693/t½, अगर t½ 10 है तो 0.693/10, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट 30 मिनट्स इज 350 mm ऑफ Hg, तो देखते हैं 30 मिनट में क्या होगा, आपको पता तो चल गया ना ए की t½ है कितनी, 10, इसका मतलब है कि ए और फर्दर अगर हम ए को देखें तो ए एक और वन मोर t½ में ए की वैल्यू, मतलब टोटल 30 मिनट्स में, टोटल यहां तक हो गया है t इज इक्वल टू 30 मिनट्स,
इसमें बताना ए की वैल्यू 100 से कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 100 से हो जाएगी 50, राइट, ए विल बी 100 से 50 हो जाएगा ए 30 मिनट में। एक और टी हाफ दोगे तो ये भी हो गया। अब देखिए जब ए अभी 50 बचा है, इसका मतलब है 400 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 है, ए बचा हुआ 50 है आफ्टर 30 मिनट्स। सो लेफ्ट ए आफ्टर 30 मिनट्स इज इक्वल टू 400। शुरू में तो ये 400 था ना, 400 था, 400 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू ओनली 50, बस 50 बचा हुआ रह गया। 400 से 200 हुआ, 200 से 100, 100 से 50 हो गया। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स इज इक्वल टू 350, मतलब 350 जा चुका है। अब 350 अगर ए का गया तो आप समझते हो बी कितना बना होगा, 2 × 350, और सी कितना बना होगा, 350। इट मीन्स 30 मिनट्स के बाद सी आफ्टर 30 मिनट्स इज इक्वल टू 350, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा, जो ये ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर है टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट्स कितना है, तो ठीक है टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट्स, टोटल प्रेशर आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट्स कितना है ये निकाल लेते हैं। ए का प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑफ ए इज 50 प्लस बी का प्रेशर कितना है, ट्वाइस ऑफ सी मतलब 700 प्लस डी का प्रेशर कितना है, एक और जो आपके बने दिस इज बी एंड सी का प्रेशर इज 350। सो इन ऑल टोटल प्रेशर इज 700 प्लस 400 दैट इज 1100, ये भी करेक्ट है। तो फिर इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज लास्ट क्वेश्चन और इजी भी है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। ओके तो क्वेश्चन कह रहा है सुक्रोज, एच प्लस की प्रेजेंस में इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज आप पढ़े हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है, टेक्स प्लेस एट सर्टन टेम्परेचर व्हाइल द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मेंटेन्ड एट 1 लीटर। ओके एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियल ऑप्टिकल रोटेशन इज 34 डिग्री, आफ्टर 30 मिनट्स द टोटल ऑप्टिकल रोटेशन इज 19 डिग्री एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इन्फिनिटी के बारे में बात कर रहा है, द टोटल रोटेशन बिकम्स -11 डिग्री। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। द टाइम वेन सल्यूशन वॉज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज, अब सल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, इसका मतलब है कि टाइम टी इज इक्वल टू टी पे हमारे जो सोल्यूशन है उसकी एंगल कितनी आ रही है, 0 डिग्री आ रही है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल एंगल 0 डिग्री कितने टाइम पे होगा, तभी तो वो सोल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ है ना, मतलब रोटेशन नहीं हो रहा है, थीटा 0 है, फाइन। और एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट कॉन्स्टेंट, और एक बोलता है द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ये तो सही है, ये हम जानते हैं रिएक्शन डज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इस केस में, ठीक है। अब तो हम सॉल्व करते हैं सी को, सी ऑप्शन देखना है रेट कांस्टेंट क्या है रिएक्शन का, और ए और बी को सॉल्व करते हैं। पहले हमें सी सॉल्व करना ही पड़ेगा, के टी इज इक्वल टू आप जानते हो 2.303 लॉग थीटा नॉट माइनस थीटा, दिस इज थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन अगेन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी, ठीक है ठीक। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करिए। तो क्या बोलता है, एट वेरी लॉन्ग टाइम टोटल रोटेशन कितना हो गया था, -11, फाइन। तो हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, वेरी लॉन्ग टाइम पे -11 वैल्यू पुट करेंगे, थीटा नॉट की वैल्यू टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना पुट करोगे, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है हमारी दिस इज 34 डिग्री, ठीक है। थीटा इन्फिनिटी की वैल्यू -11 पुट करेंगे, और थीटा टी की वैल्यू कहता है क्वेश्चन में दैट आफ्टर 30 मिनट्स द टोटल ऑप्टिकल रोटेशन इज 19 डिग्री, मतलब इस मोमेंट पे 19 डिग्री है, टाइम कितना रखा है 30 मिनट्स। बस अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये कितना बनेगा, 2.303 अपॉन 30 तो आ जाएगा ना, के की वैल्यू
केवल एक चीज करना है आपको, कैलकुलेट कर लेना है लॉग। जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 2.303 लॉग, दिस इज माइनस 45 राइट, 45 अपॉन माइनस 30। तो ये कितना बन रहा है, कैंसिल हो गया ना ये, तो ये कैंसिल होकर कितना बन रहा है आपका 3/2, दैट इज लॉग 3 माइनस लॉग 2, और लॉग 3 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.17। ठीक है, तो ये करेक्ट है फिर हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दिस इज 2.3 इंटू लॉग 3/2। इसको आप डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे, है ना, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। ये आ गया, ये तो 2.3 इंटू डिवाइडेड बाई 30 ऑफ कोर्स, के की वैल्यू, के निकालना है तो के की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 0.17। यहाँ तक तो ईजी है। इसके बाद क्या कह रहा है कि बताओ ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू ज़ीरो कब हो जाएगी। एंगल्स देख लेते हैं, नया टाइम पता नहीं है, नया टाइम निकालना होगा, के इंटू टी, के तो वही रहेगा 2.303 लॉग थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी। थीटा टी की वैल्यू ज़ीरो कहता है इस बार पुट करने के लिए, थीटा नॉट तो 34 ही है, वो इनिशियल है, दिस इज माइनस 11 एंड दिस इज माइनस 11। ठीक है, वैल्यू भी बहुत अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है, ये सॉल्व कर रहे हो तो 45 अपॉन 11 आ रहा है ना, और क्वेश्चन में गिवन है 0.611 वैल्यू इसकी। तो बस हमें निकालना क्या है, हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, दिस विल बी 2.3 अपॉन के इंटू लॉग 45 अपॉन 11। तो हम यहाँ से टी सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 104 मिनट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया फिर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो क्विज अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, है ना, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं। लास्ट के क्वेश्चंस जो थे, फोर क्वेश्चंस, उनमें थोड़ा सा था टाइम टेकिंग थे वो क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से अप्लाई करो, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी थ्योरी है, उन थ्योरी को समझो, अप्लाई करो क्वेश्चंस में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।